अस्सलाम वालेकुम। आज है हेजल्स गैलरी की सेकंड पेंटिंग क्लास, जिसके अंदर हम ब्रशेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छी पेंटिंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो ब्रशेस का किरदार होता है। कि अगर तो आपके ब्रशेस अच्छी क्वालिटी के हैं तो आपकी पेंटिंग जो है वो बहुत स्मूथ बनेगी, उसके अंदर लाइंस नहीं आएंगी। ये सब मैं आपको जो है आज की वीडियो में बताऊंगी कि आपने कौन से टाइप के ब्रशेस बाय करने हैं, कौन से टाइप के ब्रशेस आपने नहीं बाय करने हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे पास अच्छी से अच्छी क्वालिटी के भी ब्रश हैं और कुछ लो क्वालिटी के भी ब्रश हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से जो लो क्वालिटी के हैं उनके क्या नुकसान हो सकते हैं और जो अच्छी क्वालिटी के उनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर तो आप बिगनर हैं तो आपके लिए ब्रशेस को समझना सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप बिगनर होते हैं तब आपको नहीं समझ में आ रही होती कि आपने किस जगह पे कौन सा ब्रश यूज़ करना है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है टाइप के ब्रशेस पड़े हुए हैं, मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, मैं उन ब्रशेस के बारे में देख सकते हैं कि मेरे पास जो है यहाँ पे जो ब्रशेस मैं यूज़ करती हूँ डेली पेंटिंग्स में, वो यहाँ पे इस बास्केट के अंदर मौजूद हैं। तो इनमें से मैं सबसे पहले अगर इस वाले ब्रश की बात करूँ तो ये ब्रश जो है ये बहुत अच्छा है और ये जो है पेटल्स बनाने के बहुत काम आता है, लीफ बनाने के भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि इसकी टिप जो होती है वो आगे से बारीक होती है। बाद हमारे पास आ जाते हैं ये फ्लैट ब्रशेस होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ, जो इस तरह से सीधे ब्रशेस हैं। ये फैन ब्रश है, इसको तो आप जानते होंगे क्योंकि हमने अपनी वार्निश की जो वीडियो है लास्ट, उसके अंदर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसे हम सिर्फ वार्निश नहीं कर सकते, हम इससे और भी डिफरेंट काम कर सकते हैं। लाइक आपने अगर ट्री बनाना है तो आप इसके साथ बना सकते हो, ये बहुत बहुत हेल्पफुल होता है ट्री बनाने में। उसके अलावा इसके साथ जो है स्टार्स के लिए आपने अगर करना है तो ये इससे इफेक्ट दिया जा सकता है, बहुत अच्छा होता है। फिर ये आते हैं राउंड ब्रशेस, लेकिन ये छोटे साइज के राउंड ब्रशेस। ये बड़ा ब्रश आता है किसी बड़े कैनवस के ऊपर बैकग्राउंड पेंट करना है या किसी बड़े एरिया पे आपने पेंट करना है, तो आपने जो है वो इस टाइप के ब्रशेस को यूज करना है। हमारे पास एक ब्रश ये भी है जो कि आगे से राउंड होता है, ये भी एक हमारा जो है वो फ्लावर बनाने के काम आता है। और कर्व कोई भी अगर आप जगह सरफेस है या कोई भी ऐसी आपकी पेंटिंग है जिसमें आपने कर्व ड्रॉ करना है, तो ये वो कर्व बनाने के भी बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट ब्रश होगा तो उससे आप उस टाइप से कर्व नहीं कर सकोगे, ये उसके भी काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है लाइनर ब्रशेस। लाइनर ब्रशेस में हमारे पास जो है बेस्ट साइजेस जो होते हैं, बारीक से बारीक लिखाई के लिए 000 होता है, 00 होता है, 0 होता है। अब हमारे पास जो ये है 0, इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में जो हमारे पास ये है 000 और ये आगे से कम थिक होता है इस वाले के नस्बत, इसकी लेंथ भी छोटी होती है। ठीक है, ये अभी यूज़ किया गया है तो इसकी वजह से ये भी 0 है, देन हमारे पास ये 00 है। ये अभी यूज़ नहीं किया गया है, बिल्कुल न्यू है अभी, इसी कंपनी के। मेरे पास कीप स्माइलिंग के हैं और भी ब्रशेज, ये सारा डिटेल मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास लोकल ब्रश है, ठीक है, ये भी न्यू है और ये भी लाइनर ब्रश है। लाइनर ब्रशेस तो आपके पास जितने भी हों उतने ही कम होते हैं, क्योंकि लाइनर ब्रशेस बहुत बारीक होते हैं तो ये जल्दी जल्दी से ख़राब हो सकते हैं। लोकल ब्रश है, इसकी कोई भी कंपनी मेंशन नहीं है, तो ये इसमें से हमें मिला। और ये वाला ब्रश जो है ये भी बहुत काम का है, ये काम आता है कहीं पे भी डॉट्स आपने लगाने हो, ये मंडाला आर्ट में भी बहुत काम आता है। हम बात करते हैं इन ब्रशेस की, ये है लोकल ब्रशेस जो कि मैंने आपको पहले लाइनर ब्रशेस में से भी दिखाए थे। इसको अगर हम खोलते हैं तो ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, तो यही चेक करने के लिए कि डिफरेंट क्वालिटी के मेरे पास ब्रशेस होंगे तो उनमें क्या फ़र्क होता है। तो अब इसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसका जो ब्रश है उसके जो ये आगे से हेयर्स हैं ये किसी काम के नहीं है, ये एक या दो दफ़ा यूज़ होंगे और उसके बाद ये हार्ड हो जाएंगे और ये ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। इसका ये छोटा वाला ब्रश देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी नीटनेस नहीं है अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ये बहुत ज़्यादा इसके हेयर्स जो हैं वो ख़राब हुए हुए हैं, तो ये इतना अच्छा नहीं काम करेगा। जो पिंक वाले ब्रशेज़ हैं ये एक ही पैक के अंदर आपको पूरी डील मिल रही है। इसके अंदर आपके लाइनर ब्रशेज़ भी हैं, फ्लैट ब्रशेज़ भी हैं, उसके अलावा लाइनर हैं,
एंगल्ड ब्रश है, फैन ब्रश है, जो है फ्लैट ब्रशेज हैं, सारे ब्रशेज ये एक ही पैक के अंदर हैं। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट जो है ये ब्रशेज हैं और ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं हैं। कीप स्माइलिंग के ये वाले ब्रशेज, ये तो बहुत कॉमन हैं, दराज पे इजीली अवेलेबल हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे इनकी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने एक इनका पैक पहले मंगवाया था, वो यूज़ कर चुकी हूँ और उसके बाद मैंने फिर एक और पैक मंगवाया था क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये कितने सिल्की हैं, बहुत बहुत कमाल के हैं ये। और ये मैं कहती हूँ ये आप लोगों को ज़रूर बाय करने चाहिए, ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, आई थिंक 500 या 600 तक आपको मिल जाते हैं। ये 12 ब्रशेज होते हैं इसके अंदर और इसमें राउंड ब्रश है, फ्लैट ब्रश है, फैन ब्रश है, लाइनर ब्रश भी होते हैं। बाद फिर से कीप स्माइलिंग के ब्रशेज ही आ जाते हैं, लेकिन ये है लाइनर ब्रशेज। इसमें हमारे पास जो है 6 का पैक होता है जिसमें हमारे पास दो दो होते हैं ब्रशेज एक साइज के। ये 0 के दो हैं, 2 ही 00 के हैं, 2 ही 000 के ब्रशेज हैं। ये न्यू पैक मैंने खरीदा था तो ये अभी मेरे पास इसी तरह से, जब तक पिछले वाले ख़राब नहीं हो जाते तब तक मैं ये वाले अपने पास रखूँगी, क्योंकि लाइनर ब्रशेज ऐसे होते हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम जो है वो चाहिए होते हैं, और क्योंकि कहीं पे अगर ज़्यादा बारीक राइटिंग करनी हो तो वो फिर इनसे की जा सकती है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अगेन हमारे पास कीप स्माइलिंग के ही ब्रशेज हैं, लेकिन ये है एंगल्ड ब्रश। ये कैलीग्राफी में बहुत काम आते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनमें से मैंने 2 या 3 ब्रशेज जो हैं वो कैलीग्राफी में यूज़ किए भी हुए हैं, आप मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं, और इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये कीप स्माइलिंग के ब्रशेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये मैंने जो है वो रावलपिंडी से बाय किए थे, उर्दू बाज़ार से। ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आपको जो है दराज पे मिल जाएंगे। मैंने यूज़ नहीं किए हैं लेकिन इनकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये है ब्लूबर्ड के ब्रशेस। बस जो ये ब्लूबर्ड के ब्रश है ना, इनकी जो ग्रिप है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इनको मैंने जब होल्ड किया था तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ये स्टे कर रहे थे मेरे हाथ में, बहुत अच्छी ग्रिप आ रही थी। और इसमें क्योंकि यहाँ से ये थिक है, यहाँ से थिन है, फिर यहाँ से थिक है, तो एक बहुत कमाल की ग्रिप आती है। अगर आपने आगे से भी होल्ड करना है तो यहाँ से जो थिकनेस है वो आपको बहुत अच्छी ग्रिप देती है, अगर आपने थोड़ा सा पीछे से पकड़ना है तो और भी अच्छी ग्रिप आती है। इसमें भी हमारे पास उसी तरीके से जो है वो लाइनर ब्रश भी मौजूद है, फिर फ्लैट ब्रशेज हैं, ये थोड़ा सा एंगल्ड ब्रश है, ये भी एंगल्ड ब्रश है, ये फ्लैट है, ये राउंड है, फिर हमारे पास यहाँ पे ये भी राउंड है, ये आगे से थोड़ा सा कर्व है, ये वाला भी कर्व के अंदर एक ब्रश ये वाला भी है, ये है टूथ ब्रश। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे काम आता है स्टार्स का कोई इफेक्ट देना हो या आपने पेंट इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ। अपने ये राउंड ब्रश की बात करते हैं, इस पर मैंने येलो कलर लिया है, ठीक है। मैं इसे आपको बताऊँगी कि हम इस वाले राउंड ब्रश से क्या बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो ब्रश होता है ये हमारे बहुत काम आता है पेटल्स वगैरह बनाने के लिए। आपने ये देखा, आपने सिर्फ इसको यहाँ से इस तरीके से रखना है और ये वो बताती हूँ कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। इसे हम लोग इस तरीके से, ये एक्चुअली मंडाला आर्ट में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लैट ब्रशेस की। फ्लैट ब्रश में आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक ये है, यह है कीप स्माइलिंग का ब्रश, ये जो ब्राउन है, और ये है एक लोकल ब्रश, ठीक है। अब इसके जो आगे से ब्रश हैं ये काफ़ी हार्ड है और इसके बहुत सॉफ्ट है। अब इन दोनों में, एक लोकल में और एक कंपनी के जो हमारे पास ब्रश है, इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, इनसे हमारी पेंटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपको वो बताती हूँ। हम इसे एक लाइन स्ट्रेट करेंगे, इस वाले ब्रश में लिए, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये है कि आपको दिखाने में काम आएगा कि एक लोकल ब्रश जो होता है वो क्या आपका जो है नुकसान कर सकता है। ये देखिए, प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर फंसा रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ वाला था उसके जो आगे से हेयर्स थे वो बहुत बारीक थे, इसके काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं। एक हेयर भी अगर हम लोग एक हेयर देखें तो बहुत थिक होता है और बहुत हार्ड होता है,
तो वो जो है आपके पेंट को बाहर नहीं निकलने देता, वो उसी के अंदर रह जाता है। अगर निकल भी आए तो इनके रिजल्ट में आपको मैं फर्क दिखा देती हूँ। क्लियरली जो है वो नजर आ रहा होगा कि इसमें कितनी स्मूथनेस है और इसमें जो है वो किस तरीके से लाइंस आपको शो हो रही होंगी। इसमें भी लाइंस है लेकिन बहुत ज्यादा कम है और ये इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, जबकि इसके अंदर नीटनेस बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम टूथब्रश की बात कर लेते हैं। और स्टार्स का इफेक्ट एक तो इसके साथ दिया जा सकता है, लाइक स्प्रिंकल अगर आपने करना है व्हाइट पेंट जो है वो इसके ऊपर, तो उसके लिए दो दो चीजें यूज की जा सकती हैं। एक तो होता है ये टूथब्रश जो कि आप कोई भी ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको हाफ हाफ जो है वो करके बताती हूँ। आप होल्ड करेंगे ब्रश को, ठीक है, और आप इस तरीके से इसको हल्का हल्का छोड़ेंगे और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि इससे जो है वो आपके हाथ पे पेंट लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये मैसी हो जाता है। एक और तरीका होता है हमारे पास जिसमें हम लोग यूज करते हैं हमारा फैन ब्रश। ये भी मैं आपको अभी इसकी जो दूसरी साइड है इस साइड पे आपको वो करके दिखाती हूँ। हमने इसके ऊपर ले लिया है वाइट पेंट, इसके साथ आपको एक और ब्रश की जरूरत है जिसे आपने नीचे रखना है एंड देन उसके ऊपर आपने इसको हिट करना है और ये ठीक है इस तरीके से आपने इसके ऊपर करना है। एक्रेलिक पेंट्स को यूज़ करने के बाद ब्रशेस को वॉश करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। सिंपल आपने जो है वो वाटर के साथ इनको वॉश कर लेना होता है। ब्रशेस की एहतियात में सबसे ज़्यादा मैं आपको अगर बताऊँ ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये है कि आपने जो ब्रशेस यूज़ कर लिए हैं तो जब आपका काम फिनिश हो जाए तो आपने सबसे पहले जो है अपने ब्रशेस को साफ पानी के साथ वॉश करके ज़रूर रखना है। और ब्रशेस को कभी भी गीले ब्रशेस को कभी भी जो है वो अगर आपका लाइक आपका ये कप है, आपने इसमें जो है वो ब्रशेस को पहले डिप किया हुआ था और बाद में जब आपने वॉश किया और अभी ब्रश आपका गीला ही था और आपने इसी के अंदर इसको इस तरीके से रख दिया कि ठीक है अब ये इस तरह पड़ा रहे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको उठाएंगे तो आपके ब्रश की हालत कुछ ऐसी होगी, ये एक साइड को बेंड हो जाएगा और इस तरीके से इसके ब्रश जो है आगे से वो खुल जाएंगे। ये लाइनर ब्रश था और इसकी अब ये बिल्कुल भी मतलब लाइनिंग के अब काबिल नहीं रहा, तो ये हालत हो जाती है। ये जितने भी आपको ब्रशेस नज़र आ रहे हैं ये सब इसी तरीके से, ये मेरी जो है ये गलती थी, ये इस वजह से ये वाले जो ब्रशेस हैं ये ख़राब हुए हैं। तो अब ये है कि अब ये चीज़ मेरे नेक्स्ट टाइम के लिए है और आप लोगों को भी ये बात लाजमी जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग कभी भी अपने ब्रशेस को इस तरीके से ना छोड़ें। तो सबसे ज़्यादा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने अपने ब्रशेस को वॉश करना है तो उसके बाद कभी भी इस तरीके से डाउनवर्ड अपने ब्रशेस को नहीं रखना किसी भी चीज़ में। जब भी आप वॉश करके लाएं अपने ब्रशेस को इस तरीके से इसके अंदर रखें, कोशिश करें कि आप इसको टिशू के साथ इनको जो है वो पहले ड्राई करें और फिर इनको इस तरीके से इसके अंदर रख दें, अदरवाइज आपके ब्रशेस का भी यही हाल होगा। और ब्रशेस जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं तो, और जब ये ख़राब होते हैं तो फिर दुख भी बहुत होता है, तो इनकी ये आपने केयर लाजमी करनी है। और आप पेंटिंग करते हैं और अपने ब्रशेस को यूज़ करते हैं तो एक दिन उनका जो है वो लाजमी जो है वो फिक्स कर दें, उसमें अपने ब्रशेस की डीप क्लीनिंग करें, उनको अच्छे तरीके से शैम्पू या सोप के साथ उनको वॉश करें थोड़ी देर के लिए ना, उनको डिप कर दें, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना वरना वो फ्लैट हो जाते हैं जैसे ही मैंने आपको दिखाया अभी। थोड़े से टाइम के लिए चार पाँच मिनट के लिए उनको नीम गर्म पानी के अंदर सोप या शैम्पू डाल के डिप करके रख दें, उसके बाद आप इनको जो है वो हाथ के साथ अच्छे तरीके से इनकी क्लीनिंग करें और फिर जो है इनको आप इस तरीके से ड्राई करके रख दें, तो आपके ब्रशेस जो हैं वो लंबे अरसे तक जो है वो चलेंगे और अच्छा काम करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रशेस। तो इंशाल्लाह अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है जो मैं कवर नहीं कर सकी हूँ तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, उनका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह पेंट्स, एक्रेलिक पेंट्स के बारे में होने वाली है, तो आपका कोई भी एक्रेलिक पेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस कवर कर सकें। थैंक यू सो मच।